वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। सो गाइस आज हम अभिषेक के स्टैंड अप कॉमेडी का जो सेकंड पार्ट है उस पर रिएक्ट करने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की ओर। मैं भूल चुका हूं फिटनेस में। हां, मैं नहीं छोड़ूंगा फिटनेस को, पकड़ के रखूंगा फिटनेस को। मैं मुझे अभी पता लगा है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने ना फिटनेस की रिसर्च करनी शुरू की तो मुझे पता लगा कि बचपन से लेकर आज तक मैंने जो जो किया है ना, उन सारी चीजों से हार्ट अटैक आता है। पता ही नहीं था मुझे, क्योंकि मैं इंटरनेट पे गया फिट होने। वो तुम्हारी हेल्प नहीं करते, वो तुम्हारी ही गलती निकाल देते। सो के कैसे उठते ऐसे गलत? लेफ्ट से उठना था, दिल यहाँ होता है। 30 साल गलत उठ लिए। सेवन वेज यू आर ईटिंग कर्ड रॉन्ग। दही खाने भी नहीं आती मुझे। फिर तो ये रास्ता बहुत लंबा है अभी यार। अभी तो तुम्हें चावल खाते नहीं देखा। वो तो मुझे पता है मैं गलत खाता हूँ। वो देखेगा स्क्रीन तोड़ के बाहर आ जाएगा भाई। सही गला ही ना पकड़ चबाएगा कौन, चबाएगा कौन? सॉरी भाई, खिचड़ी थी भाई, सॉरी। और क्या है गलत तरीका दही खाने का? भाई देवी कह रहा है दही में चीनी मत डालो। पता है भाई, क्योंकि चीनी खराब है। बेचारी दही क्या गलती है इसमें? अब कल को मैं दही में कोकेन डाल के खा जाऊं। अभिषेक जेल के गया, अरे बड़ी गलत दही खाई उसने यार। इतनी दिन दही खा जाता था, नाक से दही खाने लग गया था। चम्मच दो फेंक के क्रेडिट कार्ड निकाल लेता था। नहीं यार, मैं ना, आप देखो, मैं सब कुछ कर रहा था फिटनेस के लिए, जो जो करना चाहिए, पर यार अब 30 साल की गलतियां कहाँ, 1.5 साल की जिमिंग से ठीक हूँ। किया तो सब कुछ, पर 6 महीने पहले वही हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। मेरे पैर के कोने में दर्द होना शुरू हुआ यहाँ पे। बहुत दर्द बढ़ती, कभी यहाँ पहुंच जाता था, कभी यहाँ 15 सेकंड रहता था, फिर यहाँ पहुंच जाता था, फिर यहाँ पूरी बॉडी ट्रेवल कर रहा है 15-15 सेकंड। मैं कहा शिट, कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका है। तो मैंने तुरंत गूगल करना शुरू किया, तो पता लगा एक नर्व प्रॉब्लम है। तो मुंबई के जो टॉप न्यूरोलॉजिस्ट में से एक है, वो लीलावती हॉस्पिटल में बैठते हैं, उनका नाम है डॉक्टर शिरीश। मैं उनके पास गया, मैं कहा हाय सर, अभिषेक उपमन्यु, सर मुझे पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई है। सर डायबिटिक में हो नहीं तो एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स की वजह से हुई है। 30 साल से ढंग से सो के नहीं उठा हूँ, तो सम फॉर्म ऑफ कैंसर हैज डेवलप्ड, जो न्यूरोपैथी की फॉर्म में अपने आप को शो कर रहा है। राइट नाउ इट्स स्टेज 1 व्हिच इज माइल्ड पेन, स्टेज 2 इज कांस्टेंट पेन, एंड एज यू नो स्टेज 4 इज कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन। सो हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड? तो डॉक्टर कह रहा है एक बार मैं चेक कर लूं। मुझे अंदर बुलाया उसने, यहाँ हथौड़ा मार रहा है। हथौड़ा मारने के बाद कह रहा है चल के दिखाओ। मैंने अपने बेस्ट वर्क किया उसके सामने, बेस्ट वर्क। मैं कहा चल के अभी दिखाता हूँ सर, ये देख रहे हो सर, ये देखो सर, मेरी वर्क देख रहे हो आप, सर देख रहे हो। कोई कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दिया उसने, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन लिखने लग गया। मैं कहा सर व्हाट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आर यू गोइंग फॉर? एंटी सीजर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, ऑक्सीकोडोन, और यू थिंक वी शुड स्टार्ट विद कीमो राइट अवे? कह रहा ये लो, वाटर लिखा हुआ है। ओह शिट। मैं कहा पानी? कह रहे हैं पता है ना पानी। मैं कहा पता है, जाओ पियो जा। 1500 रुपए ले लिए, पानी लिख के दे रहा है, पिलाया भी नहीं बेंच। तो यार कैंसर कौन से, मैंने पढ़ा था कि अगर तुम अर्ली डिटेक्ट कर लो ना, अर्ली, तो ठीक हो जाता है। मैंने कहा अर्ली, जो पहले दिन पकड़ूंगा मैं इसको।
तो मैंने तुरंत जाके अपने सारे ब्लड टेस्ट खुद ही करा लिए, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का टेस्ट, ALA का टेस्ट, प्रोस्टेट कैंसर का टेस्ट करा लिया। वो कर भी नहीं रहे थे, कह रहे होते ही नहीं 50 साल से नीचे को। मैं कहा आप टेस्ट करो ना, कह रहे हमने कहा मैं गर्दन पकड़ करा कर कर बैच। ऐसे टेस्ट कराया मैंने, उन टेस्ट में मेरा ESR हाई आया। ESR किसी को पता है ESR क्या होता है? बोलो क्या बात है, इनको 10 रुपए देना जाता है। वेरी गुड, बाकी क्यों नहीं पता भाई, कॉमेडी देखने से हेल्थ नहीं ठीक होगी। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अजीब निकल गया है, हंसने से कुछ नहीं होने वाला है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन पता लगता है ब्लड में इन्फेक्शन कितना है, मेरा वो हाई था, पता ही था मुझे। शिरीश मैं भाग के लिए लेती वापस किया, मैं कहा सर ESR हाई आया है। खैर तुम्हें किसने बोला ब्लड टेस्ट कराने को? एक तो मैं आपकी मदद कर रहा हूं, ऊपर से बोल रहे हो किसने बोला ब्लड टेस्ट कराने को? ESR हाई है सर, 0 to 20 नॉर्मल होता है, मैं 24 चल रहा है। खैर जो 100 होगा तब आना, जाओ यहां से। मैं कहा 100 की वेट क्यों करनी, कैंसर बड़ा हो जाएगा, अभी पकड़ के अभी मार देते हैं ना सर। क्या जाओ यहाँ से, मैं कहा सर 24 पे है, 24 हथौड़ा उठा लिया, हथौड़ा मार दूंगा बहचो तुम्हें मैं। फिर 1500 ले ली, तो मैं समझ गया ये कोई मुन्ना भाई टाइप डॉक्टर है, किसी पारसी के बाप के हाथ कैरम खेल के घुस गया ये, इसे आता तो कुछ है नहीं। तो मुझे लगा जुगाड़ से ही जाना पड़ेगा। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसकी मॉम डॉक्टर है, वो सीनियर डॉक्टर है। मैंने उसके अपने फ्रेंड को फोन किया, मैंने मॉम के थ्रू भेजा किसी रेफरेंस के थ्रू, तो उसकी मॉम ने मुझे ग्लोबल हॉस्पिटल भेज दिया उनके हेड न्यूरोलॉजिस्ट के पास। मैं उनके पास पहुंचा, मैं कहा है सर अभिषेक उपमन्यु पेरिफेरल न्यूरोपैथी। कह रहा आपको? मैं कहा यस सर। कह रहा अंदर आओ। मैं कहा सर मुझे तारा शर्मा। कह तारा ने भेजा? अरे अंदर आओ अभिषेक, अंदर आओ। अरे अभिषेक मैं और तारा तो पता है कब से दोस्त है, कॉलेज से दोस्त है, कॉलेज में साथ में ही घूमते थे, साथ में ही क्लासेस लगाना, साथ में ही फेस्ट पे जाना, हमें तो इतने। मैं कहा सर मेरा कैंसर बन रहा है सर। ये सब हम बाद में सुनेंगे ठीक है, आप कैंसर ट्रीट करो, मैं सब सुनूंगा बैठ के। बिठाया उसने मुझे, यहाँ हथौड़ा मार रहा है। तो यहाँ तो मेरे परमानेंट दर्द रहता है। ऊपर से न्यूरोलॉजिस्ट कैसे डॉक्टर है, हथौड़ा लेके घूम रहे हैं, ये कैसा मेडिकल, ये क्या आधार लेके घूम रहे हैं। मैं एक दिन वैसे चल जाऊंगा इनके पास कि बीमार है, मैं कहना कील ठोक दो भैंस यहाँ पे, जूते का सोल निकला हुआ है। हथौड़ा थोड़ा मार के कह रहा है, बस हथौड़ा मार के। अरे अभिषेक कुछ लग नहीं रहा है यार। मैं कहा सर मुझे लग रहा है सर, सर कैंसर बनता जा रहा है सर, पहले दिन पकड़ने का प्लान था, day 3 चल रहा है। मैं कहा कुछ हो जाएगा सर, मुझे हो जाएगा। कह रहा ऐसे कैसे हो जाएगा, आपको कुछ होने नहीं देंगे, आपको तारा जी ने भेजा है। अभिषेक तुम जानते नहीं हो मेरे तारा से दोस्ती कितनी प्यारी है, हमने इतने मजे किया कॉलेज में, कभी उधर कैंटीन में जाना, कभी उधर गाने गाना, कभी उधर बंक मारना। मैं बंक मारना? न्यूरोपैथी वाला चैप्टर पढ़ा, बंक मार लिया था उस दिन। अरे हंसना मत सर, यहाँ कह रहे कुछ नहीं हुआ है अभिषेक। सर हुआ, 3 दिन से दर्द हो रहा है, मैं पहले लीलावती भी गया था, वहां पे लीलावती गए थे डॉक्टर शिरीष के पास। मैं कहा हाँ। कह रहे दोस्त है मेरे, अभी फोन करता हूं उनको मैं। वही लैंडलाइन से स्पीकर पे फोन करने लग गया। हेलो शिरीष, हाँ नरेश है। अच्छा शिरीष वो अभिषेक उपमन्यु कर वहां पहुंच गया वो, उसको भरोसा नहीं है डायग्नोसिस पे, उसको मैंने बोला था मैंने फोन उठा लिया बीच में। हेलो हाँ शिरीष, नहीं नहीं मैं बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा नहीं ये नहीं बोलूंगा, नहीं नहीं शिरीष नहीं
नहीं, इस पे FIR हो सकती है सीरीज। नहीं ऐसे कैसे मुंह पे हथौड़ा मारते किसी के भी। चलो ठीक है ठीक है, मैं देख लूंगा, मैं कर दूंगा, आप निश्चिंत रहो, मैं कर दूंगा। ठीक है, और बाकी कैसे घर में भाभी जी का मेरे बारे में? अच्छा भाभी जी वैसे इतने मजाक है, मैं कहा बंद करो इसको यार, क्या बंद चौधरी लगा रखी है यहाँ पे, मेरे ये सर 25 हो गया होगा अब तक। कह रहा अभिषेक देखो उन्होंने बोल दिया तो मैं क्या ही बोलूँ आप यार, वो सीनियर है हमारे। मैं कहा वो सीनियर आप? कह रहे मुझे कुछ होता है मैं उनके पास जाता हूँ। मैं उनके पास क्यों जाता हूँ, पानी की बोतल सामने पड़ी हुई है। कह रहा कुछ नहीं हुआ। मैं कहा सर कुछ तो बता दो सर। कह रहा जाओ विटामिन खाओ। कौन सी? कोई उंगली चूज करो। ₹1500 लेके भेज दिया मैं। वो पकड़ ही नहीं पा रहा है हो क्या रहा है यार। तो जो मेरा दोस्त था जिसकी मॉम डॉक्टर थी उसका मुझे फोन आया, कहा ब्रो शॉर्ट हो गया सब कुछ, ब्रो क्या हुआ? मैं कहा मैं कैंसर चल रहा है भाई शॉर्ट। कह रहा कैंसर मेरे पास आ, मैं ठीक करता हूँ। मैं उसके पास गया, कह रहा देख ब्रो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं वीड में, तो ये स्मोक कर सब ठीक हो जाएगा। मैं कहा स्मोकिंग से कैंसर होता है यार, ये सब क्या बोल रहा है? कह रहा टेंशन मत ले, बटर में डाला टोस्ट बना दिया बहन, इतने जल्दी काम करते दिखाई नहीं मैंने उसको आज तक, क्या फटाफट कह रहा अभी ये ले भाई टोस्ट खा तू। मैं टोस्ट खाए सब ठीक हो गया, सारे दर्द गए, उल्टा मुझे लगने लगा क्या ही है कैंसर, इसी मिट्टी से आए थे इसी में चले जाना है। ठीक है अभिषेक आई थिंक यू आर ओवर फोकसिंग ऑन फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ मेन होती है, वो ठीक हो सब सही रहता है। मैं कहा मेंटल हेल्थ मेरी परफेक्ट है। कहीं देखे फर्स्ट साइन है गंदी मेंटल हेल्थ का तो पता कर तू। तो फिर जो मेंटल हेल्थ की जो मेन दुकान है वो है थेरेपी, पता होगा तुम्हें। पहली बात तो बहुत महंगी है, ₹2500 लेते हैं 45 मिनट की बकचोदी की, ₹2500। मैं तुम तो हंसा भी नहीं रहे यार, सस्ता करो थोड़ा सा यार। मैं गया थेरेपिस्ट के पास फर्स्ट डे, मैं कहा सुनो जल्दी ठीक करो टाइम नहीं मेरे पास। कह रहे ऐसे नहीं होता अभिषेक, कुछ रिटन टेस्ट हैं, आप ये टेस्ट दो एंड बेस्ड ऑन टेस्ट रिजल्ट विल प्रोसीड। मैंने सारे टेस्ट दिए, टेस्ट के रिजल्ट आए, थेरेपिस्ट ने बैठाया, कह रहा बैठो अभिषेक। अभिषेक आपके रिजल्ट आ गए हैं, आपको स्किजोइड पर्सनैलिटी और जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है। मैं कहा सर न्यू ईयर पे जो कांड हुआ ना उसके बाद अजय और नेहा की बातचीत ही बंद हो गई है। कह रहे क्या बोल रहे हो? मैं आप क्या बोल रहे हो? सर मुझे ही बहुत बातें पता जो आपको नहीं पता। मैं शो ऑफ कर रहा हूं? नहीं ना, तमीज से बताओ क्या हुआ है। कह रहे बेसिकली आपको इमोशंस फील नहीं होते, अभी तो गुस्सा आ रहा है लेकिन। कह रहे इमोशंस की इंटेंसिटी फील नहीं होती, जैसे मान लो ये इमोशन की नीडल है, तो बाकी दुनिया का ऐसा होता है कि ये है मैक्सिमम दुख, ये कम दुख, ये कम दुख, ये नॉर्मल रेंज, ये खुशी और खुशी, है मैक्सिमम खुशी। पीपल हैव अ होल रेंज ऑफ इमोशंस, आपकी रेंज इतनी ही है बस। ये आपका मैक्सिमम दुख है, ये आपकी मैक्सिमम खुशी है। आप बहुत दुखी होते हो तो कहते हो बहुत खुश होते कहते हो हा हा। ओहो तो
इसका मतलब क्या है इस बात का, प्रैक्टिकली बताओ क्या मतलब। खैर मतलब ये है कि आपको अच्छा और बुरा ऐसे ज्यादा कुछ लगता ही नहीं। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है सर, अच्छा लगता है मुझे। कह रहे कब अच्छा लगता है? मैं कहा आइसक्रीम खाते टाइम। कह रहे मजा आता है? मजा आता है, सोच के मजा आ रहा है अभी। कह रहे करेक्ट, पर आपको उतना मजा नहीं आता जितना बाकी दुनिया को आता। ये आपने मुझे बताया क्यों है? दोस्तों का सारे हैंगआउट्स खराब कर दिए इसने मेरे यार। हम बाहर जाके खाना ऑर्डर कर रहे हैं, मैंने कहा दाल अच्छी है, दोस्त कह रहे बहुत ही अच्छी है। मैं ज्यादा मजे ले रहे हैं अच्छे। मैं क्यों बराबर बिल दे रहा हूँ सालों से? तो मैंने पूछा उससे, मैंने कहा ये मेरे साथ हुआ क्यों यार, मैं तो किसी का कुछ ऐसा बिगाड़ा नहीं आज तक। कह रहा अभिषेक देखो बचपन में ना आपके पेरेंट्स ने आपको अफेक्शन नहीं शो की, अब उन्होंने नहीं अफेक्शन शो की तो आपको भी नहीं पता कि इमोशंस को शो करना होता है। आप समझ रहे हो, मतलब आपकी पूरी फैमिली ठुस्सी ही है। मैं एक मिनट, सारी गलती पेरेंट्स की है? Hello, well, you can say, मैं बस। I'm happy now. हाँ हाँ। मैं अभी पापा को फोन करता हूँ। कह रहा अभिषेक सेशन चल रहा है, मैं पैसे देना चुपचाप बैठा रहा बेंच। इश्यूज़ में लिख लो ये भी, सेशन चल रहा है तेरा। मैं हेलो पापा, अफेक्शन क्यों दी बचपन में? कह रहे अरे क्या हुआ? मैं कहा बाकी लोग ज्यादा मजे ले रहे आइसक्रीम के। अरे सब आपकी वजह से घटिया आदमी। कहने बेटा तुम सही बोल रहे हो, हमने ध्यान नहीं दिया बचपन में इन चीजों पे, क्योंकि उस टाइम पे हमारा सारा ध्यान तुम्हारी फीस देने में था। हमारी प्रायोरिटी वो थी तुम्हारी एजुकेशन। तुम बेटे हमारा सोचो बचपन में, हमें तो ना अफेक्शन मिली ना फीस मिली। हम लोग इतने गरीब थे। आप लो थेरेपी यार। मैं कहा इनसे करो बात आप, मेरे तो 15 साल के इशू के 50 साल के हैं। बहुत मोटा कस्टमर है, पकड़ लो 10 साल आएगा मैं। और यही करते हैं थेरेपी वाले, वो करते हैं सब कुछ आपके चाइल्डहुड पे डाल देते हैं कि बचपन में ही हो गया था। बचपन में हो गया था भाई, अब क्या आ रहे हो तुम यहाँ पे? तब आना चाहिए था ना, तब तो तुम्हें छुपन छुपाई खेलनी थी। जाओ खेलो फिर, हो गए ना इश्यूज। सब बचपन में पेरेंट से हो जाता है, तो वो अच्छे है तो तुम अच्छे, वो गंदे तो तुम गंदे, वो टकले तुम टकले। विच इज ट्रू एंड सैड, बिकॉज मेरे पापा टकले हैं तो मैं भी हो ही जाऊंगा। यार दिन की बात नहीं है, बहुत दुख हुआ था मैं पता लगा था। मैंने पूछा अपने पापा से, मैं टकले कैसे हो गए आप? कह रहे अरे बेटा मैं बाल धोता था रिन से। क्यों? क्या मुझे लगा झाग झाग होता है क्या? मैं बोला थेरेपिस्ट को, मैं कहा देखो यार थेरेपिस्ट, अभी तक ना आपने मेरी सारी गलतियां ही बताई, मुझ में क्या गलती है, मेरे पेरेंट्स में क्या गलती है, मेरी अपब्रिंगिंग में क्या गलती है, सॉल्यूशन बताओ सर, ही कैसे होगा ये सर? अभिषेक देखो आप ना इमोशनली बहुत दबे हुए हो, आपको थोड़ा खुलना पड़ेगा, थोड़ा एक्सप्रेस करना शुरू करो। आपको आपके पेरेंट्स पसंद है? मैं कहा ना दो से ला दो। ये कोई पसंद ना पसंद का सवाल है यार। पसंद ना पसंद तब पूछी जाती है अगर आपके पास कोई चॉइस हो। ये धरती पसंद है आपको? अबे यही है जो है अबे। कह रहा है पसंद है? हाँ पसंद है। कह रहा उनको जाके आई लव यू बोल दो। मैं
पागल हो बहचो तो सुनो आप जाओ थेरेपी और थोड़ा कम एक्सप्रेस किया करो आप पेरेंट्स को आई लव यू बोलता है मैं हैप्पी मदर्स डे पर डांट खा चुका हूँ कह रहे नहीं अभिषेक बहुत जरूरी है एक्सप्रेस करना देखो उसकी वजह से आपका सेकंड इशू हो रहा है विच इज योर जनरल एंग्जायटी डिसऑर्डर मैं क्या होता है उसमें जल्दी बताओ क्या होता है उसमें खैर आप प्रेजेंट नहीं रह पाते आपको प्रेजेंट में रहना है आप हमेशा या फ्यूचर का सोचते हो पास का सोचते रहते हो कह रहा जैसे आप नहाते हो जल्दी नहाते हो आराम से नहाते हो मैं कहा जल्दी नहाता हूँ कह रहा एंग्जाइटी कह रहा जब घर में बेल बजती क्या करते हो मैं कहा भाग के खोलने जाता हूँ कह रहा एंग्जाइटी घर में तोरी बनती है नहीं खाते मैं कहा ना एंग्जाइटी कहना है सब्जी चूती है तो पता लगा ऐसे समझ रहे हो तुम तो एंग्जाइटी में से ऐसे ही नहाना होता कि नहा के निकल ली जल्दी चटा हो गया ऐसे नहाना कि अरे मैं साबुन लगा रहा हूँ अच्छा अच्छा अरे साबुन यहाँ पहुँच गया छाती पे ओ पानी पड़ रहा है मुँह ऐसे नहाते नॉन एंशियस लोग समझ रहे हो तुम घर में बेल बजती है टिंग डोंग बेल बजी है ओ मैं जा रहा हूँ दरवाजा खोलने दरवाजा खोला एनसीपी अंदर आई है ऐसे ठीक है ऐसे रहते हैं नॉन एंशियस लोग मैं कहा वेरी गुड आपने पकड़ लिया मैं कहा मुझे तो ठीक लगता है जल्दी नहा के काम हो जाता है कह नहीं नहीं आपको मैनेज करना पड़ेगा देखो क्योंकि एंग्जाइटी कई बार बहुत बढ़ जाती है बहुत लोग कंट्रोल से बाहर चली जाती है जब वो बढ़ती है तो उसके फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं मैं कहा जैसे कर आपको पेन होगी जो आपकी बॉडी में पूरी ट्रैवल करेगी दस बजे ओ कह कुछ लोग तो एंग्जाइटी से डील करने के लिए बहुत कुछ ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं क्योंकि वो आपको टेम्परेरी रिलीज दे देगा बट ओवरऑल आपकी एंग्जाइटी और बढ़ी रही है मैं तो बहुत टोस्ट खा गया मैं कहा तो ठीक कर दो इसको जल्दी ठीक कर दो यार सुनो 11:30 हो रहे 2 बजे तक कर दोगे ठीक तो कह रहे ठीक नहीं होता ये कभी खैर बस मैनेज हो सकता है मैनेज करने के लिए मैं आपको बताता हूँ आपको मेडिटेशन करनी चाहिए यू शुड ड्रिंक मोर वाटर पानी पानी क्या लगा रखा यार मैं कहूँ लीलावती का शिरीष भी कह शिरीष कैसा है शिरीष मैं कहूँ तुम लोग मिलते क्यों नहीं हो भाई ये पेशेंट को तुम क्या हाल चाल पूछे जा रहे हो और कौन से कॉलेज से हो तुम सारे भाई जहां पानी पिलाना सिखा रहे हैं तुमको बस मैं हॉस्पिटल हटा पानी का टंका लगा दो यहाँ पे लिख दो उस पर लीलावती आगे पानी भर के चल जाएंगे भैंसो हम कह जाए यहां से हो गया सेशन तुम्हारा पूरा 2,500 रुपए लेके इसे तो सीरीज ही अच्छा था कम से कम माँ बाप की बुराई तो नहीं की उसने क्या थी ये वीडियो क्या थी मतलब मेरा तो इतना पेट कर दो यहाँ पे उसके मेरे तो यहाँ पे दर्द दर्द लग गया आई सीरियस से बहुत फनी वीडियो थी वो बहुत अच्छे कॉमेडियन है एंड वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट आल्सो तो तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दो कमेंट कर दो शेयर कर दो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो मिलते हैं मजेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय